साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वेट सॉल्यूशन चैनल में। आज का वीडियो लेके आए हैं एक होमलेस काऊ पे, ये एक्सीडेंटल वुंड हो गया उसके, जिसके कारण इसका जो इंटरनल ऑर्गन है ओमेजम एबोमेजम उसका कुछ हिस्सा बाहर आ गया। गनीमत रही कि ये रैप्चर नहीं हुआ, प्रतीत होता है कि इसको एक आधा दिन हो गया है, जिसके कारण इसके ऊपर मिट्टी है और हल्का सा इसके ऊपर से ब्लीडिंग हो रही थी। ज़्यादातर आवारा गाय में या आवारा पशुओं में देखा जाता है कि ऐसे घाव या तो पशु के आपस में फोर्स करने से, जिसके जो सींग है बड़े होते हैं उसके कारण हो जाते हैं, या कई बार आवारा पशुओं के नुकीली चीज़ से टकराने के कारण भी ऐसे घाव है जो हो जाते हैं, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा चोट आती है और कई बार देखा गया है कि एनिमल की डेथ भी हो जाती है। इसके जो घाव हुआ है उसमें इंटरनल ऑर्गन बाहर आया है और इसको अच्छी तरह से क्लीन करके, क्योंकि होमलेस काऊ थी, इसमें मिट्टी वगैरह लगा हुआ था और इसमें ब्लीडिंग भी हो रही थी, इसको पूर्ण रूप से साफ़ करके एंटीसेप्टिक लगा के इसको अंदर करके स्टिचिंग किया है और इसको अपने कंटिन्यूस आईवी फ्लूइड थेरेपी, एंटीबायोटिक एंटीपायरेटिक ड्रग है वो लगातार 3 से 4 दिन तक देंगे, जिससे कि इसकी जान बच पाए। धन्यवाद साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।